नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। मैं प्रे करता हूँ कि आप लोगों का ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जितना प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए, लाइफ में सक्सीड करें। मेरे लिए भी आप लोग प्रे करना सेम। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप CACVLE हैं तो आप लोग पास कुछ सर्टिफिकेट्स है जो कि होना जरूरी है। वो सर्टिफिकेट्स होगा तभी आप आगे काम कर सकेंगे, दूसरा कोई काम करेंगे ज़्यादा अर्निंग कर सकेंगे। तो क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैसे सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियो में लेके आता रहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप बात करता हूँ यहाँ पे TEC सर्टिफिकेट के बारे में, टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स, TEC या CCE कोर्स बोलते हैं। अगर आपको CACVLE लेना है तो सबसे पहले यहाँ पे इनरोलमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे इनरोलमेंट करने के बाद ही आप यहाँ पे जो भी है CACVLE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पे 1500 कटेगा, आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देने से पहले आप कर सकते हैं अप्लाई, बट यहाँ पे इनरोलमेंट तो आपको करना पड़ेगा, बिना इनरोलमेंट का आप नहीं कर सकते हैं। TEC सर्टिफिकेट के लिए TEC में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लॉग इन विथ अस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है दो ऑप्शन, एक लॉग इन विथ CACVLE कनेक्ट या फिर यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट CACVLE कोर्स के लिए। तो CACVLE कनेक्ट से आप नहीं कर सकते क्योंकि CACVLE ID आपका नहीं बना। अगर ID बना हुआ तो इससे कनेक्ट करेंगे, लेकिन ID बनने से पहले आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करेंगे क्योंकि आप नए नए हैं, यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। इस फॉर्म को आप अच्छे से फिल करेंगे, जो भी फॉर्म यहाँ पे डिटेल देंगे वही डिटेल सेम आपके TEC सर्टिफिकेट पर आएगा। TEC सर्टिफिकेट जब यहाँ से अप्लाई कर देंगे अभी तो आपको एक TEC नंबर मिलेगा, जिस नंबर से आप जाकर CACVLE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगा तो यहाँ पे CACVLE के बारे में बात करूँगा। CACVLE का यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आता है जो आप लोगों को लॉगिन करके डाउनलोड कर लेना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट के स्कीम के लिए आप बाहर जाएंगे काम करने के लिए तो आपको से ID पूछा जाएगा, तो उसके जगह आप ये सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस कर देंगे जिससे आपको वहाँ पे वैलिड हो जाएगा कि आप CACVLE के आदमी हैं, आप यानी गवर्नमेंट के आदमी हैं जो आप ये काम करने आए हैं। उसको डाउनलोड करने सिंपली CACVLE ID देंगे, आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा आएगा, यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट देना है, फिंगरप्रिंट से लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अगर बात करूँ तो यहाँ पे CACVLE एकेडमी की तरफ से BCC कोर्स आता है, यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स एक आता है, ये यहाँ पे आपको इनरोल कर लेना पड़ेगा। जब ये इनरोल करेंगे आपको यहाँ पे तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम दे देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलेगा कुछ इस तरह का, जो मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट मिलनी मतलब ये हुआ कि आपने BCC कर रखा CACVLE एकेडमी से, और ये जो सर्टिफिकेट मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको कोई भी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ से नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो ये सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगा। यहाँ पे और भी बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, बट यहाँ पे CACVLE ID के लिए BCC कोर्स आपके लिए BCC सर्टिफिकेट इनफ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात करूँ तो IIBF इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस का BCBF सर्टिफिकेट होना आपका जरूरी है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट इतना ज़्यादा जरूरी है कि अगर ये सर्टिफिकेट आपका नहीं रहेगा तो आपको बैंक का काम नहीं मिलेगा, बैंकिंग CSP नहीं मिलेगा, बैंकिंग BC नहीं मिलेगा। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको शेड्यूल BCBF एग्ज़ाम करना है या अप्लाई करना है, अप्लाई नंबर करना है, एडमिट लेटर है, रिजल्ट है, जो भी है यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपली अगर BCBF के लिए है अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाए यहाँ पे है तो करेंगे, नहीं तो अगर आप फर्स्टली है यानी कि सबसे पहली बार कर रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। BCBF पे जाएंगे, BCBF जाने के बाद आपको शेड्यूल एग्ज़ाम करना पड़ेगा, शेड्यूल आप BCBF एग्ज़ाम करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सेंटर लिस्ट है, अप्लाई ऑनलाइन है, ये सारा है, मेंबर है, नॉन मेंबर है, वो सारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो आपको, और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आपको चैनल पे मेरे मिल जाएगा, नहीं तो कार्ड पे मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कार्ड में या डिस्क्रिप्शन दे दूँ ताकि आपके लिए ईजी हो ये अप्लाई करना। ये अप्लाई कर लेंगे, एग्ज़ाम आपका होगा, एग्ज़ाम में आपको मार्क्स लेके आना पड़ेगा लगभग 55 से 60%, अगर वो आ जाता है तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप बैंकिंग को भी बैंकिंग काम कर सकते हैं, यानी IIBF सर्टिफिकेट कहीं भी आप जाएंगे CSP लेने या BC लेने तो ये आपसे मांगा ही जाता है। ये सर्टिफिकेट होगा तभी आपको वो चीज़ मिलेगा, नहीं तो आपको एक एप्लीकेशन लेटर देना पड़ेगा कि भाई आप 3 से 6 महीने के अंदर में IIBF का सर्टिफिकेट जो बैंक लेते हैं आप जहाँ से उनको आप प्रोवाइड करेंगे। तो उससे अच्छा होगा आप पहले ही ये करके रखो, रेडी करके रखो, ताकि बाद में आपको कोई भी लेटर देने की जरूरत पड़े जब भी मांगा जाए तो डायरेक्ट आप सर्टिफिकेट मुंह पे फेंक के मार दो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पॉज सर्टिफिकेट की बात करूंगा। पॉज सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं रहेगा आप यहाँ पे इंश्योरेंस का कोई भी काम नहीं कर सकेंगे,
और CSC डिजिटल पोर्टल में जितना भी काम है सबसे अच्छा कमीशन आपको सी इंश्योरेंस के काम में मिलता है। इंश्योरेंस में आप लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, मिसेलेनियस इंश्योरेंस कर सकते हैं, मोटर काम में हेल्थ यानी फर्स्ट पार्टी कर सकते हैं, मोटर थर्ड पार्टी कर सकते हैं, ये सारा इंश्योरेंस कर सकते हैं। ये सारा इंश्योरेंस करने के लिए आपको यहाँ पे पॉस या फिर इंश्योरेंस सर्टिफाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मेरा यहाँ पे सर्टिफाइड है, सेम यही चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो हेल्प के लिए भी दे दूंगा। वीडियो मैं आप अपने चैनल पर हुआ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कार्ड में दे दूंगा, आप जाके आप देख सकते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है, सब पता चल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे INS का एग्जाम देना है तो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, अगर ऐप का देना है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो यहाँ पे डिटेल ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, मेरा डिटेल डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा ईजी मैं बोलूँगा तो यहाँ पे आपको रैप है, इंश्योरेंस दोनों दे सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस का एग्ज़ाम ईजी है, इसको जल्दी आप क्रैक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे, जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद आप इंश्योरेंस का काम कर सकेंगे। उसके बाद अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो मैं बात करूँगा यहाँ पे आधार NSEIT की तरफ से आधार सुपरवाइजर या फिर आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। कि अगर मान लीजिए बैंक BC आपने ले लिया है, बैंक BC मिलने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई किया है CSP का, जो CSP के थ्रू मिलता है UCL का काम, UCL के लिए अप्लाई किया, UCL के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले मांगा जाएगा कि भाई आपके पास सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर सर्टिफिकेट है तो आपको आधार UCL का काम मिल जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। सिंपल सर्टिफिकेट बात करूँ तो सिंपल सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स है। तो अप्लाई करने के टाइम आपको ID पासवर्ड देना है, यहाँ पे ID पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आधार का अपना XML फाइल डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे शेयर कोड जो भी वहाँ पे देंगे, शेयर कोड देंगे, एक्सट्रैक्ट होगा, आपको OTP जाएगा, वेरीफाई होगा, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। ये भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा या फिर आपको कार्ड भी दे दूंगा ताकि आप डिटेल देखेंगे और आपको अच्छे से पता चल सकेगा कि आपको आधार का एग्जाम कैसे देना है। जब आधार का एग्जाम दे देंगे आपको सुपरवाइजर का या फिर ऑपरेटर का एग्जाम रिजल्ट जब आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे एग्जाम तो एक ही होता है, सुपरवाइजर का एग्जाम अलग से नहीं होता या फिर ऑपरेटर का एग्जाम अलग से नहीं होता है, दोनों ही एग्जाम एक ही साथ होता है, लेकिन आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑपरेटर है या फिर सुपरवाइजर है। आपका मार्क्स अच्छा है तो आप सुपरवाइजर बनेंगे, मार्क्स अगर लोअर है तो ऑपरेटर बनेंगे, और कुछ जो क्राइटेरिया है कितना मार्क्स से नीचे है तो आप फेल हो जाएंगे, दोबारा आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे आधार का एक जो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होता है वो ले सकते हैं। उसके बाद बात करूँगा तो यहाँ पे PCC की बात करूँगा। मैं यहाँ पे कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में हूँ तो कोलकाता पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल से PCC यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। PCC अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक अपलोड करना पड़ेगा, CC का ही एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, ID कार्ड जो CSC के लिए आपने ये PCC लिया है तो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपलोड करेंगे, आपको डिटेल देना पड़ेगा। PCC आपका जनरेट हो जाएगा, PCC लगभग 24-48 घंटे में आपको PCC मिल जाता है। यहाँ पे 1050 रुपये का डिडक्ट होता है कोलकाता पुलिस पोर्टल पे। अब वहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट में देख लेंगे कितना कटता है, बट यहाँ पे 1050 कटता है, आपको 24 से 48 घंटे में PCC मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल में काम करना चाहते हैं, CSC में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए कोई मैंडेटरी सर्टिफिकेट जो है वो होना जरूरी है। सारे सर्टिफिकेट को डिटेल बताया है और कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आपको मिलेगा, सब कुछ बताया है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। जाते जाते भी आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर, जाते जाते भी प्रे करूंगा कि आप लोग का लाइफ अच्छे चले इस साल में, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, कम हो जाए या तो फिर खत्म हो जाए, मेरे लिए भी प्रे करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, जय हिंद।